लेस मिल रहा है इसमें। अब हम मशीन की एमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, एमरजेंसी के लिए क्या होना चाहिए। और जैसे मशीन हम नॉर्मल चला रहे हैं ये, और मशीन चलाते चलाते ऑपरेट करते हुए हमें जैसे कहीं जाना है तो, और मशीन भी ऑन है तो हम यहाँ से ये एमरजेंसी स्विच को पुश कर कर जाएं। इससे क्या होगा, हमारी मशीन जो है वर्क करना बंद कर देगी। अगर ऑन भी है मशीन तो काम नहीं करेगी। ये देखिए, ठीक है, या अगर हमें मशीन की कोई कुछ भी मशीन में कुछ काम करना है या कहीं जाना है तो उसके लिए, और इजीली ही इसको दोबारा अगर हमें काम करना है ये आराम से ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब मशीन हमारी काम करने स्टार्ट करती है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो इसका अलार्म है, छोटी सी लाइट दिख रही है ये पावर के नीचे, जब भी ये अलार्म वाली लाइट आपको रेड दिखाई दे तो आप समझिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली कोई फॉल्ट है। तो मशीन पे तुरंत उसे ऑफ करें, एमरजेंसी स्विच दबाएं सबसे पहले और उसको पीछे से जाके ऑफ कर दें और उसे देखें क्या दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू।